नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। क्या हरियाणा में बीजेपी की सरकार अल्पमत में आ सकती है? क्या हरियाणा में बीजेपी की सरकार फंस गई है? क्या बीजेपी की नायब सैनी सरकार के पास अब बहुमत नहीं है? सदन में विश्वास मत पेश करने को क्यों तैयार नहीं थे नायब सैनी? ये सवाल इसलिए क्योंकि अब हरियाणा में बीजेपी की सरकार मुश्किलों में फंसती नजर आ रही है। कहा जा रहा है कि हरियाणा में नायब सैनी विधानसभा में विश्वास प्रस्ताव लाने को तैयार नहीं है क्योंकि उनके पास बहुमत ही नहीं है। कांग्रेस सरकार अल्पमत होने को लेकर सीएम नायब सैनी से इस्तीफे की मांग भी करने लगी है। पिछले दिनों चंडीगढ़ में कांग्रेस विधायक दल की मीटिंग में इस मुद्दे पर चर्चा भी की गई थी। वहीं कांग्रेस और जजपा नेता दुष्यंत चौटाला भी राज्यपाल को चिट्ठी लिखकर सरकार से फ्लोर टेस्ट कराने की मांग कर चुके हैं। ऐसे में हरियाणा की राजनीति में उठा पटक देखने को मिल रही है और कहा जा रहा है कि बीजेपी हरियाणा में अपनी सरकार नहीं बचा पाएगी। दरअसल हरियाणा में बीजेपी जेजेपी गठबंधन की सरकार थी, लेकिन लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी और जेजेपी के बीच सीट शेयरिंग को लेकर सहमति नहीं बनने पर दोनों पार्टियों का गठबंधन टूट गया। हरियाणा की 90 विधानसभा सीटों में बहुमत के लिए 46 विधायकों का होना जरूरी है। जेजेपी के अलग होने के बाद बीजेपी के पास 41 विधायक बचे, 5 निर्दलीय और 1 हलोपा विधायक के साथ मिलकर सरकार बना ली गई। हालांकि सियासी उठापटक में मनोहर लाल से सीएम पद की कुर्सी छीन ली गई और उनकी जगह पर नायब सैनी को प्रदेश की कमान सौंप दी गई। लोकसभा चुनाव के दौरान बीजेपी को सपोर्ट करने वाले 3 निर्दलीय विधायक रणधीर गोलन, सोमवीर सांगवान और धर्मवीर गोंदर ने कांग्रेस का दामन थाम लिया और हाल ही में निर्दलीय विधायक राकेश दौलताबाद की हार्ट अटैक से मौत हो गई, जिसके बाद सरकार के सामने बहुमत का संकट खड़ा हो गया है। 90 विधानसभा सीटों वाले हरियाणा में बहुमत के आंकड़े में भी बड़ा बदलाव हुआ है। अब हरियाणा में 90 की जगह केवल 87 विधायक ही बचे हैं। दरअसल सिरसा की रनिया विधानसभा से रणजीत सिंह चौटाला ने इस्तीफा दे दिया है। वहीं बादशाहपुर विधानसभा सीट से विधायक राकेश दौलताबाद का निधन हो गया और अंबाला लोकसभा सीट की मुलाना विधानसभा सीट से कांग्रेस विधायक वरुण चौधरी ने अंबाला लोकसभा चुनाव में जीत हासिल कर ली है। ऐसे में अब विधानसभा में कुल 87 विधायक ही बचे हैं, जिसकी वजह से बहुमत का आंकड़ा 46 से कम होकर 44 हो गया है। क्योंकि 2 सीटों पर उपचुनाव की बात हो रही है, लेकिन इस वक्त उपचुनाव भी नहीं कराए जा रहे हैं क्योंकि हाल ही में अब हरियाणा में विधानसभा चुनाव भी होने हैं। और ऐसे में इस समय बीजेपी के पास 41, 1 निर्दलीय और 1 हलोपा विधायक का समर्थन है। बीजेपी के पास वर्तमान समय में कुल 43 विधायक हैं। वहीं विपक्ष की बात करें तो कांग्रेस के 30, जजपा के 10, निर्दलीय 4 और 1 इनेलो विधायक है। अगर ये सभी एक साथ आ जाते हैं तो विपक्षी विधायकों की संख्या 45 हो सकती है और बीजेपी सरकार अल्पमत में आ सकती है। हालांकि इसकी संभावना कम है। ऐसे में अब देखना दिलचस्प होगा कि आगे आने वाले समय में हरियाणा की राजनीति में क्या उठापटक देखने को मिलती है, क्योंकि अब सवाल उठता है कि क्या कांग्रेस अभी बीजेपी को बहुमत साबित करने के लिए सदन में कह सकती है, क्योंकि वो राज्यपाल को तो इस बारे में चिट्ठी लिख चुकी है, लेकिन नियम के मुताबिक ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि 13 मार्च को ही नायब सैनी की सरकार ने बहुमत साबित किया है और नियम यह है कि इसके 6 महीने तक कोई विश्वास मत परीक्षण नहीं हो सकता, यानी 13 सितंबर तक विश्वास मत परीक्षण का प्रस्ताव कोई नहीं ला सकता। फिलहाल आगे आने वाले समय में क्या होगा इसकी भविष्यवाणी तो नहीं की जा सकती, लेकिन हाँ, हरियाणा में अल्पमत में चल रही भारतीय जनता पार्टी की सरकार का संकट लगातार गहराता जा रहा है। फिलहाल ऐसी और खबरों के लिए आप देखते रहिए श्रेष्ठ भारत। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।